यस सर। चलिए, तो कल से आपकी सबकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। उससे पहले मैं सोचा हूँ कि कल हमने कुछ रिवाइज किया था, और आज दोनों पुस्तकों का जो आपके संभावित प्रश्नोत्तर हैं उनके बारे में बात की जाए, उनको हल किया जाए। उस तरह के प्रश्न जैसा पेपर में दिया गया उसके जैसे प्रश्न, वैसे प्रश्न नहीं जो पेपर में आए हैं। तो कल एक कौन सा बच गया था, आप लोग बता रहे थे, आठवां बच गया था क्या? अभी समय सर हाँ, आठवां अध्याय बच गया था क्या कल? सर चलिए तो शुरू किया जाए। आठवां अध्याय है, यह सबसे कठिन समय नहीं। क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में जब कठिनाई आता है तो वह एकदम बेचैन हो उठता है, और वह यह सोचता है चला कि मेरे जीवन का यह सबसे कठिन समय। ले। अच्छा लेकिन वास्तव में वह सबसे कठिन समय नहीं होता है, क्योंकि जीवन में कठिनाइयाँ आती जाती रहती हैं, उन कठिनाइयों का समाधान होता रहता है। इसलिए किसी भी कठिनाई को अपने जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई या बाधा समझना बेवकूफी होती है। इसलिए प्रत्येक कठिनाई को समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, उससे घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आइए देखा जाए। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है अभी भी झड़ती हुई पत्ती। कवि कह रहा है कि यह जो जीवन का समय है, अभी यह कठिन समय नहीं है, सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि चिड़िया जिसके हाथ पैर नहीं है वह भी अपने तिनको, अपने पैरों में तिनका दबाए हुए अपना घोंसला बनाने के लिए प्रयास कर रही है। और इसलिए हे मनुष्यों, आपको भी जब तक जीवन है, आपको भी जब तक जीवन है तब तक परिश्रम करना चाहिए, और किसी भी बाधाओं से डरना, डर कर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह बाधा आपके जीवन की सबसे कठिन बाधा नहीं है। अगला है, थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। पहले पैराग्राफ में कवि ने चिड़िया का उदाहरण दिया है, और दूसरे पैराग्राफ में कवि ने रेलगाड़ी का उदाहरण दिया है। और क्या कह रहा है कि जैसे स्टेशन पर गाड़ियां आती जाती रहती हैं, लोग चढ़ते उतरते रहते हैं, और वह गाड़ी अपने प्रारंभ से चलकर गंतव्य तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में लगातार संघर्ष करते हुए चलना चाहिए और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना चाहिए। तीसरा देख, गणतंत्र मतलब क्या हो? क्या चीज? गणतंत्र गणतंत्र नहीं है, गंतव्य है। गंतव्य मतलब जहां पहुंचना होता है, जहां जाना होता है, उसे गंतव्य कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है। कवि कह रहे हैं जया जादवानी जी, कि जब कोई व्यक्ति अपने घर से काम के लिए निकलता है और शाम को देर हो जाती है तो उससे घर वाले प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए हे मनुष्यों, आपकी भी मंजिल पर कोई ऐसा होगा जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। इसलिए इस बाधाओं से डरने का समय नहीं है, अपने संघर्ष को जारी रखते हुए अपने मंजिल तक पहुंचिए, और जो प्रियजन आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके पास यथाशीघ्र पहुंचने का प्रयास कीजिए। अगला, उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी
सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस। क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हमारे घर में जो दादी नानी या जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमको कहानियां सुनाते हैं, तो कहानियां क्या होती हैं? कहानियां अतीत की होती हैं, अतीत की घटनाएं, जो घटना बीत चुकी होती है वही कहानी बन जाती है। तो हम जो कार्य करेंगे वह आने वाले समय में उसको भी याद किया जाएगा, लोग उसको भी कहेंगे, इसलिए तुम इन बाधाओं की चिंता छोड़कर अपने कार्यों में लगे रहो। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। ये मनुष्यों, तुम अपनी ही दुनिया में नहीं, इस दुनिया से बाहर पूरे ब्रह्मांड में अपना परचम लहराओ और वहां की खबरों को पूरी दुनिया में फैलाओ। इसलिए इन बाधाओं से घबराओ नहीं, इनका डटकर मुकाबला करो, क्योंकि यह बाधाएं तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन बाधाएं नहीं है, अभी ये तुम्हारे जीवन की शुरुआत भर है, इसके बाद अनेक बाधाएं आती रहेंगी। इसमें किसी कोई शब्द पूछना है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? बोलो भाई। किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलिए, अब जितने भी इसमें चार पांच पद्य थे हमने उसको दोहरा दिया, उसका अर्थ बता दिया, और अब व्याकरण वाला हम पोर्शन शुरू कर रहे हैं। तो जो एक से लेकर 15 तक आएगा, तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ वर्ण विचार। तो आइए वर्ण विचार में थोड़ा सा हम लोग वर्ण विच्छेद पढ़ लें कि वर्णों का विच्छेद कैसे होता है। तो एक एक अध्याय को बारी बारी से आज हम पढ़ाएंगे। थोड़ा इसको भिगो के लाओ। तो चलिए, वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को अलग अलग करके लिखना। जैसे हमने लिखा यहां पे कमल, और मैंने आपको प्रश्न पत्र में दे दिया कि कमल निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो आप जानते हैं कि स्वर और व्यंजन की सहायता से क्या बनते हैं? वर्ण बनते हैं, ठीक है। स्वर क्या होते हैं? जिनको बिना किसी सहायता से बोला जाता है। और व्यंजन क्या होते हैं? जिनको वर्णों की सहायता से बोला जाता है। तो अब इस क में, म में और ल में व्यंजन के साथ साथ स्वर भी लगे हुए हैं, तो उन स्वरों को और व्यंजनों को अलग अलग करके दिखाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कमल है, तो कमल को हम कैसे लिखेंगे? क हलंत कर देंगे, अ क हो जाएगा, फिर म अ, फिर ल अ, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कमल। क्योंकि प्रत्येक क जो होता है या प्रत्येक वर्ण जो होता है वह स्वर की सहायता से बनता है। जैसे यह क जो है क प्लस अ से बना है, तब जाके यह क बना है, ठीक है। और अगर इसमें से स्वर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये क हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से और भी कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूं, जैसे कमल था, अब कोई मात्रा वाला शब्द बता रहा हूं, उसको भी ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, जैसे जैसे मैंने लिखा सफलता, सफलता, इसका इसका वर्ण विच्छेद करेंगे कैसे करेंगे? देखिए, स प्लस अ, स बन गया, प्लस फ
प्लस अ, फ बन गया प्लस ल प्लस अ, ल बन गया और ता है तो त प्लस आ कर देंगे, आ कर देंगे, क्या हो गया ये हो गया सफलता। इसी प्रकार और कोई मात्रा होगी तो उसको भी देखिए एक बार, जैसे मैं लिख रहा हूं राधिका, राधिका ठीक है, तो अब देखिए कैसे बनेगा ये र में हलंत आ, ये क्या बन गया रा, उसके बाद क्या आया है धिका धी, तो ध में हलंत अब प्लस छोटी ई, क्या हो गया ये धी हो गया, प्लस क में हलंत और आ, क्या बन गया ये बन गया आपका राधिका, ठीक है। इस तरह से वर्ण विच्छेद करते हैं। अब इसके बाद संधि को देख लीजिए, संधि संधि पढ़ाया ना आप लोगों को, बोलिए। यस सर। नहीं पढ़ाया है? कौन बोल रहा है नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया है। चलिए तो संधि जैसे हम कहीं कहीं प्रश्न में दे देंगे कि निम्नलिखित शब्दों का संधि कीजिए, तो संधि मतलब दो शब्द रहेंगे अलग अलग, जैसे हमने लिख दिया हमने राम प्लस आज्ञा, तो इसको करेंगे इसको संधि कीजिए, ठीक है। और वही मैं लिख दूंगा राम आज्ञा, तो इसका लिख दूंगा कि इसको विच्छेद करिए, तो अगर मैं संधि करने के लिए कहूंगा तो आप एक में मिला के लिख देंगे, और विच्छेद करने के लिए कहूंगा तो आप ऐसा दूंगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। आई बात समझ में हमारे, आपके बात समझ में हमारे? तो संधि कहेंगे तो ऐसे लिखेंगे और विच्छेद कहेंगे तो ऐसे लिखेंगे। विच्छेद, विच्छेद मतलब अलग अलग, और संधि मतलब जोड़ना। जैसे इसको संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा ये रामाज्ञा बन जाएगा, ठीक है। और इसको विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा ये राम प्लस आज्ञा, ठीक। मैं अगर विच्छेद करने के लिए कहूंगा तो ऐसे लिखेंगे, और संधि करने के लिए कहूंगा तो ऐसे करेंगे। मैं उदाहरण भी देके समझाने का प्रयास किया मैंने प्रश्न पत्र में, तो इसको ध्यान में दीजिएगा, संधि से प्रश्न यही आएंगे, ठीक है, हो जाएगा। यस सर। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर है आपका शब्द विचार से आपके शब्द कुछ आएंगे, जैसे तद्भव तत्सम के लिए शब्द आएंगे कि निम्नलिखित शब्दों का तद्भव रूप लिखिए, निम्नलिखित शब्दों का तद्भव, जैसे हम दे देंगे कि घर का तत्सम लिखिए, घर का तो क्या होगा गृह होगा, और लिख देंगे गृह का तद्भव लिखिए तो क्या लिखेंगे घर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह के प्रश्न इस अध्याय से आपको मिलेंगे, ठीक। यस सर। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी। तो अगला चैप्टर जो है आपका वो पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची भी आपके प्रश्न में पेपर में आएगा, कम से कम पांच शब्द मैंने दिए हैं, पांच शब्दों के दो दो पर्यायवाची, कम से कम दो दो पर्यायवाची लिखना है, और उसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगला चैप्टर होगा आपका पूरा याद करेंगे, कितना पर्यायवाची दिए हैं, पांच पर्यायवाची दिए हैं, पांचों के कम से कम दो दो पर्यायवाची, हम लोगों को सारे क्या चीज और हम लोग सारा याद करेंगे, नहीं आप कहिए तो आपको बता दे कौन सा आ रहा है, बताइए बता दे, कहेंगे तो हम पेपर कहेंगे तो पेपर में लिख भी देंगे, कहिए तो आप घर पेपर में आके लिख देते हैं। बस ये बता दीजिए
नहीं नहीं बस ये बता दे रहे हैं कि बताने क्या है, मैं एक मिनट रुके, राष्ट्रगान हो रहा है। चलिए अब आप लोग कहिए कि सर पूरा पेपर बता दीजिए, सर आके लिख दीजिए, तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है। तो अब इसके बाद है विलोम शब्द, तो कुछ विलोम शब्द भी आएंगे, इसको भी देख लीजिएगा। और आठवां चैप्टर जो है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक, जैसे मैंने लिखा कि निम्नलिखित का अर्थ बताइए, अन्न अन्य, तो अन्न मतलब होता है अनाज, अनाज अन्न मतलब होता है दूसरा, तो इस तरह के भी प्रश्न आएंगे, सुनने में एक जैसे शब्द लगेंगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा, तो इसका भी उत्तर आपको लिखना होगा अपने क्वेश्चन पेपर में। चलिए अब अगला अध्याय की तरफ चलते हैं, नवा अध्याय। तो नवा अध्याय जो आपका है अनेकार्थी शब्द है, ठीक है, तो इसमें भी दिए हैं ना, जैसे अंक, अंक मतलब गोद भी होता है, अंक मतलब संख्या भी होता है, अंक मतलब चिन्ह भी होता है, उसी प्रकार से उत्तर, तो उत्तर मतलब दिशा भी होता है, उत्तर मतलब जवाब भी होता है, ठीक है, तो इस तरह के भी प्रश्न आपको आएंगे, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। दसवां अध्याय है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो बहुत कम जानता हो अल्पज्ञ, जो बहुत ज्यादा बोलता हो वाचाल, तो इस तरह के शब्द देंगे जिनको एक शब्द में लिखना होगा, तो इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे दसवें अध्याय से, इससे भी कुछ प्रश्न बने हैं, ठीक है। ग्यारहवां अध्याय, ग्यारहवां अध्याय से संभवतः एक नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा संभवतः, इसको भी तैयारी कर लेंगे आप लोग, पक्षियों की आवाजें, पशुओं की आवाजें, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अब आते हैं बारहवां अध्याय की तरफ, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है बारहवां अध्याय, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय, तो दे देंगे कि निम्नलिखित उपसर्गों से एक एक या दो दो शब्द बनाइए, और निम्नलिखित प्रत्ययों से, निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए, तो उपसर्ग और प्रत्यय को भी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। इसके बाद अगला चैप्टर जो है वो है समास, तो समास जैसे मैंने दे दिया कि अगर मैंने कोई समास लिख दिया, जैसे मान लीजिए कि प्रतिदिन, तो मैंने इसको दे दिया कि दिए गए शब्दों का विग्रह करिए और समास के भेद का भी नाम लिखिए, ठीक है, तो प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, ठीक है, और प्रत्येक दिन, हाँ, तो इसका ये कौन सा भेद कौन सा हो जाएगा, ये बताइए, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास, तो इस तरह के भी प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है, इसकी भी तैयारी आप लोग रखिएगा। इसके बाद अगला अध्याय है चौदहवां, डेफिनेशन आएगा ना, हाँ सर व्याकरण में, हाँ डेफिनेशन भी आएगा, अगला है संज्ञा, चौदहवां अध्याय आपका है संज्ञा, तो इसमें ये दिए हैं बस कि निम्नलिखित संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञा में बदलिए, जैसे हमने दे दिया कि पशु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो पशु का पशुता, मित्र का मित्रता,
भाई का भाईचारा, माता का मातृत्व, पिता का पितृत्व, ठीक है। तो इस तरह के भी शब्द देंगे कि निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। और इसके बाद 15वां अध्याय है आपका लिंग, लिंग जेंडर। तो मैंने दे दिया है कि निम्नलिखित शब्दों को स्त्रीलिंग में या निम्नलिखित शब्दों को पुलिंग में बदलिए, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे कबूतर का कबूतरी, गधा का गधी, चाचा का चाची, बकरा का बकरी, और कुत्ता का कुतिया, बूढ़ा का बुढ़िया, इस तरह के लिंग परिवर्तन के भी प्रश्न आएंगे, उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके प्रश्न पत्र का प्रारूप, व्याकरण से मैंने आपको समझा दिया है। अगर अभी भी किसी को कोई दिक्कत हो, समझ में न आया हो, तो आप लोग मुझे पूछिए। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और किसी को कुछ समस्या, कोई कंफ्यूजन? नो सर, ऊपर नो सर को और प्रत्यय से बता दीजिए एक और बार। क्या उपसर्ग दे देंगे? जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया कि सु प्रत्यय से कोई दो शब्द बनाइए, तो सु से बन जाएगा स्वागत, स्वागत, और सु से क्या बन जाएगा? सुपुत्र बन जाएगा, ठीक है। तो और अगर मैं लिख दिया कि ता प्रत्यय से दो शब्द बनाइए, तो क्या हो जाएगा? महत्ता, ठीक है। और महत्ता के बाद क्या हो जाएगा? और बताइए, विद्वता हो जाएगा, विद्वता। तो उपसर्ग जो होता है पहले लगता है, तो देखिए यहाँ पे इसका विग्रह करते हैं, सु प्लस आगत, सु प्लस पुत्र, और महत्व धन ता, महत्ता, विद्वान धन ता, विद्वता। तो इस तरह से आप इसको करेंगे, ठीक है। महानता भी हो जाएगा। हाँ, महानता भी हो जाएगा। और कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर, सब ठीक है। नो सर, चलिए। तो आपको परीक्षा के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग पेपर को अच्छे से करिएगा, नकल मत करिएगा, क्योंकि अब आपके ऊपर दिया, ठीक है। वर्ड मीनिंग भी आएगा, और एक कविता 8 लाइन की लिखनी रहेगी आपको प्रश्न पत्र अपने आंसर शीट में, निम्नलिखित अपने पाठ्य पुस्तक से 8 लाइन की कोई एक कविता लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो एक कविता भी आप लोग याद कर लेंगे, और कल से आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारे शुभकामनाएं। आप लोग मेहनत करिए, समय बहुत ज्यादा है आपके पास, क्योंकि स्कूल आना भी नहीं है, घर पे ही रहना है, तो उसका उपयोग करिए और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। ओके सर। और किसी को कुछ दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, तो पूछिए आप लोग। नो सर। नो सर। क्या हुआ? क्वेश्चन ही ना। क्या हुआ? बाहर से मतलब अमेरिका से? नहीं सर, एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है? एक से लेके 15 अध्याय तक के बीच में एप्लीकेशन, निबंध, कहानी पत्र है क्या? तो जब नहीं है तो कैसे आएगा? जब नहीं है तो नहीं आएगा, होगा तो होता तो आता। और कुछ? नो सर। चलिए अभी, और सभी बसंत के सभी पाठों को, सभी अध्यायों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और उनसे भी कुछ प्रश्न बने हैं उनको भी देख लीजिएगा, कि जैसे फला चैप्टर को अपने शब्दों में लिखिए, इस अध्याय की कहानी को अपने शब्दों में लिखिए, तो उसको भी आप लोग पढ़ लेंगे। ओके सर। ठीक है, और कुछ? और कुछ दिक्कत? नो सर। क्लास एंड किया जाए? यस सर। यस सर। परीक्षा के लिए आपकी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा पेपर करिए आप लोग।